आगे बोलो हाजी चलो चलो जिंदाबाद जिंदाबाद आर के सी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 आर हेने दे सभी हम लोग विकास के नाम पर धरती धरती पर इस धरती पे आए तो आप लोग बैठ जाइए आप लोग पहले ही सबका एक एक करके सब लेंगे मंच के पास से मंच को खाली कर दे माननीय संसद महोदय जी आपसे अवश्य मिलकर जाएंगे आगे सुना है हमारे पदाधिकारियों ने नोट भी किया दो तीन काम हमको बताए एक तो उसको आगे सबसे महत्वपूर्ण हमको लगता है कि जो लोग बसे हुए हैं नहर उनको कोई व्यवस्था किया जाए मैं समझता अब तक उनको हटाए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जितना भी जोर हम लगा सकते हैं तो लगाएंगे इसी इसी काम के लिए कि आप लोगों को अच्छा घर मिले तब जाकर करके यहाँ से हटाया जाए ये हम भरसक प्रयास करेंगे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक और अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा ईश्वर की कृपा रही जो कि रहता है तो हम लोग इसमें सफलीभूत होंगे ये हमको एक हॉल बनना चाहिए सामुदायिक भवन उसका जमीन दिलवा दीजिए वो हम बनवा देंगे उससे सब लोग सहमत है वहाँ बनना चाहिए सामुदायिक भवन सब लोग का मांग है ना तो वहाँ बने तो हमने दिल्ली के दिन उसके आगे नहीं तो किसके घर से किसके घर का दिन आंख रहे आंखों को बता दे रविंदर जी मुन्ना जी कृपा तो ये सड़क बनी एक तो ये हो गया तीन काम ये सड़क बनी और एक काम कोई बताया था हाँ यहाँ पर लाइट देने की जरूरत है ना तो यहाँ पर 10 ठो ये बढ़िया हाई मास टाइप लाइट दे दीजिए तो कहाँ कहाँ देंगे एक अच्छा से बैठे कौन बताएगा हमको संतोष जी अच्छा किसी के घर के सामने हम नहीं देंगे हम देंगे सार्वजनिक स्थान पर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो तो ये हो गया ठीक हमारा काम करने का तरीका यही करके पूछते हैं लोगों से कि क्या चाहिए और जो लोग बताते हैं वही देते हैं उसका कारण यह है कि उससे हमको संतोष होता है कि जो सबके हित की बात है वही हो रहा है नहीं तो एक दो आदमी आकर के खड़ा था कि हमने के योजना दे दी हम एक दो बार लिखियो दिए अब पता चला कि व्यक्तिगत हित का बात है पारिवारिक हित का बात है तो इसीलिए हम करना ही बंद कर दिए गांव-गांव हमने योजना दिया उनके लोगों से पूछ करके अब शहर के भी विभिन्न मोहल्लों में जा करके लोगों से मिल करके वहां पर क्या काम है ये नोट करना है हमारा काम है और उसमें से जो हम करवा सकते हैं वो हम करवाएंगे सबसे बड़ी समस्या है शहर की जाम इसके लिए चार रोडों का हमने प्रस्ताव भेजवा है चौड़ीकरण और बीच में ये बनाने के लिए डिवाइडर दूसरा कार्यपालक का दिया गया है कि एस्टिमेट बनावे उसके अलावा दोनों तरफ बाईपास का भी हमारा काम आगे है ये जो घर वाला जो बाईपास है वो आरा सासाराम बनेगा ना उसी के साथ ये भी बन जाएगा और बक्सर वाला जो रोड बन रहा है तो उधर से बाईपास ये हो जाएगा करेक्शन सबसे बड़ी ट्रॉफी की सांसद और केंद्रीय प्रभार ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा आपके वार्ड में कई योजनाओं का उन्होंने ठीक किया क्या कहेंगे और आर के सिंह हमारे वार्ड नंबर 36 में उनका हम बहुत बढ़िया से स्वागत किए योजना दिया एगो रोड निर्माण सामुदायिक भवन पुल के चौड़ीकरण एलईडी लाइट और एलईडी लाइट क्या कहेंगे बताया जाए
सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार के बारे में सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इतना अच्छा काम किए आरा के लिए, वो बहुत बढ़िया सांसद है। क्या नाम है आपका? संतोष पासवान, भाजपा नगर अध्यक्ष। गृह ऊर्जा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद आर के सिंह के द्वारा आज वार्ड नंबर 36 में कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन करने के लिए आश्वासन दिया है, ऐसे में क्या लगता है जो चुनाव नज़दीक आ रहा है तो जो ये दिया गया घोषणा कितना फायदेमंद हो गया? देखिए माननीय सांसद द्वारा आपने जो ये कुछ क्वेश्चन किया गया कि चुनावी है चुनावी नहीं, माननीय सांसद जो कहते हैं वो करते हैं, आपने देख लिया होगा 55 साल के इतिहास में किसी सांसद द्वारा जो कार्य नहीं किया गया उन्होंने भोजपुर इस धरती पर कार्य किया है। जो काम गिराते गिराते हम थक जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। जैसे कि आज कई जगह कार्यक्रम भी है इनका, और क्या क्या लगता है? देखिए हम वो तो नहीं कार्यक्रम के बारे में, हम दो कार्यक्रम है यहाँ के कार्यक्रम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे कार्यक्रम है वो जान सकते हैं, और क्या कार्यक्रम